यो हाय, कैसे हो यार? क्या कर दिए? वीडियो की शुरुआत ही बकवास कर दी। इंट्रो करते हैं माइनक्राफ्ट की शक्ल देख के। तो यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। बहुत, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने एक साथ इतनी वीडियो चैनल पे डाली और इतने टाइम से वीडियो चैनल पे इसलिए नहीं आई थी कि मैं कुछ काम कर रहा था और मैंने स्किन क्रिएट की थी अपनी, पता नहीं कहाँ। तो मेरी स्किन जाती है उड़ के, मैं स्क्रीन क्रिएट करके आया एक बाय गाइस। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा फोन मर चुका होगा। देखो फुल था मेरा फोन, इतनी देर से स्किन बना गाइस, स्किन कस्टम करके डिलीट कर करके बना बना के लाया हूँ ना मैं। स्किन ठीक सी ढूंढ ढांड के बना दी जैसी मेरे से बनी स्किन। और आ करे, अब ये गेम लोड होता भी तो 1 घंटे में है। गेम लोड होता है तब जाके हम अपने वर्ल्ड में आएंगे और खेलेंगे कुछ। लो जी आ गया फाइनल, धन्यवाद मेरे वर्ल्ड में आने के लिए, पता नहीं कितने जन्म से सोच रहा था। और हाँ गाइस, एक चीज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मेरे घर का गेट तोड़ गए ये ज़ॉम्बीज, मतलब इतने गरीब हैंगे। कौन सा ले लिया? तो ले इसमें मैं आज का मर रहा हूँ, अपने एरिया को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर देना। तो फालतू माल पहले इसमें फेंकूँ मैं, मेरे को रिप्टाइट। तुम काम क्यों? ये काम का नहीं है, लाइटर से मैं उड़ने वाला हूँ। फूड खत्म हो रहा है, लेना पड़ेगा। और तलवार रखते हैं जेब में, ये टाइट डालो। चैनलिंग रखते हैं, सवल तो मेन है। एक्स कोई पेड़ हटाना पड़ जाए, शील्ड मेरे काम नहीं है, मेरे पे है प्रोटेक्शन का आइटम। और हाँ, स्किन तो दिखाना भूल ही गया मैं। ये देखो बहुत मेहनत लगी है स्किन को कस्टम करके बनाने में, और मेरा गला बैठ रहा है आज तो। आवाज़ थोड़ी धीरे आएगी, मैं कुछ कर सकता हूँ, आवाज़ धीरे आएगी आएगी भाई, मेरा गला मरने को हो रहा है, आवाज़ खिलाऊंगा। ठीक है, खेलते आगे। आवाज़ धीरे आ रही है उसके, सॉरी, कल परसों तक गला ठीक हो ही जाएगा। आते इतने तेजस्वी लोग रहते हैं हमारे मोहल्ले में, मेरे को नहीं चाहिए कचरा। इसी काम को करने आया हूँ और ये ग्रास ब्लॉक में, अब सोचूंगी कहाँ से, दिखाता हूँ कहाँ से लाया। हाँ, मैंने ऑफलाइन जाके खूब जी तोड़ मेहनत कर करा के ये देखो कितना खोल दिया इस एरिया को। यहाँ पे पहले छोटा सा एरिया होता था, अब बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया। लास्ट टाइम मैं बहुत थक गया था तो मैंने यहाँ तक एरिया किया नहीं था आगे का। तो करना है मेरे पास तो यार था। ओ भाई शवल हो रहा है, क्या है गाइस बताइए, शवल या फिर सुपर डुपर? हाँ, ये पानी मैंने तो डाला था यहाँ पे, मैं इसलिए डाल रहा था, मैं कहीं जाना था मेरे को। और इस वर्ल्ड में एक सीक्रेट बेस है मेरा, शायद मैंने वीडियो में दिखा रखा है, मेरे को नहीं पता, पर मैंने याद भी नहीं मेरे को मैंने कब दिखाया।
शायद आपको दिख गया यार, बहुत पहले बनाया था मैंने, बहुत ज्यादा। लगभग ये सीरीज उस टाइम नेदर पोर्टल बना था ना, उस टाइम पे बना था ये। बहुत काम किया है मैंने इसमें, बहुत ज्यादा मतलब। कई चीजें तो ऐसी है जो कि मेरे को भी इसमें चौंका देंगी। बहुत टाइम हो गया मेरे को इसमें गए हुए, मेरी बहन इसमें आके कुछ ना कुछ तो करती रहती होगी, उसकी मेरे को कोई गारंटी नहीं है। वो क्रिएटिव होती हो मेरे वर्ल्ड में, मेरे को कुछ नहीं पता। उन्होंने मेरे को धमकी दी है, मैंने तेरे वर्ल्ड में इतने सीक्रेट बेसिस बना रखे हैं, इतने सीक्रेट बेसिस बना रखे हैं, बना रखे हैं, मेरे को पता है। वो झूठ नहीं बोले मेरे को। ओ खाना खाना ही था तो खा लेते हैं अपने आप आगे बटन। मैं कुछ टाइम तक पीसफुल पे रख के खेलूंगा अपना गेम, बहुत थक जाते हैं यार। मॉब्स मारो बहुत। अब तक मैंने माइनक्राफ्ट सिर्फ 42 आवर्स खेले टोटल, मतलब जितना भी आज तक मैं ये खेल रहा हूँ ना माइनक्राफ्ट, सिर्फ और सिर्फ 42 आवर्स, इससे ज़्यादा मैंने नहीं खेला। 42 या 48 शायद, मेरे को याद नहीं, पर ज़्यादा चांस 42 के हैं, पता नहीं खेला होगा। और मैं फ्री फायर देखा जाए तो पता नहीं काफ़ी टाइम हो गया होगा, लगभग 40-50 घंटे ऑलमोस्ट। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची मेरे को हो सकता है इतना टाइम फ्री फायर खेलते। फ्री फायर ऐसा गेम है पर लत लग गई, कल तक नहीं छुट्टे भैया। सच्ची फ्री फायर में ना एक बार खेलोगे जी करेगा ही नहीं, छोड़ दो फ्री फायर को। फिर मेरे जितने फ्रेंड, एक फ्रेंड जो फ्री ना खेलता हूँ, फ्री फायर इतना फेमस हो रखा है और इतना ज़्यादा पैसा कमाता है ना, बस क्या बताऊँ। और मेरे को उसने ये बोला तू बस अपने घर का एरिया फ्लैट मत करना आसपास का, और मैं वही कर रहा हूँ। वो देख रहे हैं उसने कुछ बनाया भी है नहीं है मेरा, वो पागल मैं बनाया एक ना, मैं श्योर हूँ उसने मेरे सामने मेरे वर्ल्ड में एक जगह वो कुछ कर रही थी, पर पता नहीं क्या कर रही थी, देखें बाद में फिर कभी। अभी तो काम बहुत ज़्यादा है, बहुत यार बहुत ज्यादा बोरिंग काम है ये अपलोड करना। पर वीडियो बनाते बनाते अगर कोई कुछ करते 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 है ना, काम करते हो तब नहीं लगता बोरिंग। जैसे कि ऐसे लोगों को वीडियो बनाते वक्त मारना तो खास कर बोरिंग लगता ही नहीं। आप मेरे को कमेंट में बताना आप कैसा लगता है ऐसे अच्छे लोगों का मर्डर करना, तो विद प्लस वीडियो बनाना है, वीडियो देखना। हम पॉपकॉर्न खाने आए, जैसे कि हम पे कोई काम ही नहीं है, बस हो गया ये तोड़ दो दो चार। वही मैं यहाँ पे पता नहीं किस इतना मतलब महंगा आइटम, मतलब ना मतलब इसको ऐसे गाड़ रहा हूँ जैसे ये वो उधार पे मैंने लिया था टाइम ओवर, बस इतने दिन की उधारी लाओ भाई, हो गया ख़त्म तुम्हारा टाइम।
ले लिया दारू दूर। ठीक है, तो वो वाली बात हो रही है मेरे साथ। मतलब इतने रेयर आइटम को मैं कैसे फेंका है अभी आपके सामने सामने, मेरे को बता दो। आज की वीडियो में कुछ नहीं होने वाला, बोर हो गए बहुत ज़्यादा सब। क्यों, मैं सिर्फ यहाँ का एरिया फ्लैट करूँगा और आने वाली वीडियोस में यहाँ पे पूरा का पूरा, अभी वो ऊपर वाला घर है ना, तोड़ दूंगा मैं थोड़ा टाइम बाद। यस, बहुत अच्छा लगता है वो मेरे को, मैं तोड़ दूंगा उसको वो। अरे हाँ यार, मैंने ये आज तक ट्राई नहीं किया, मैंने बहुत ज़्यादा पहले ये चीज़ सोची तो थी करूँ मैं, पर मेरे दिमाग से अब आज याद आ रही है मेरे को, ये जो ऊपर वाला घर है ना, जब मैंने आपको एक जब ये घर बनाया था उस वाली वीडियो में आप ध्यान से देखना, मैंने एक चीज़ बोली थी कि गाइस जिस दिन भी हम पे रेप्टाइड वाला ट्राइडेंट आएगा उस टाइम पे मैं इस घर में उड़ के जाऊंगा। फिलहाल तो एक सीढ़िया टेम्परेरी है और सीढ़िया हो गई परमानेंट, ट्राइडेंट हो रखे मेरे लिए टेम्परेरी, टेम्परेरी नहीं टेम्परेरी, सॉरी कई बार हो जाता है गलत गलत। चलो भैया दे दो हमारा, मतलब ये मैं उस आइलैंड को तो तोड़ दूंगा, मतलब ये सीरीज पूरी है ना। मैं पहले बहुत यूट्यूबर्स की वीडियो देखता था, उन वीडियोस में मैंने कई यूट्यूबर्स के घर हवा में देखे हैं, कई के नीचे देखे हैं, लेकिन किसी भी यूट्यूबर का घर मैंने हवा और नीचे, हवा में और नीचे में नहीं देखा। तो मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हुआ हूँ इस वर्ल्ड में, मैं सच बता रहा हूँ, खुद से बता रहा हूँ, मैं इस वर्ल्ड में क्रिएटिव हुआ हूँ। कई बार मैंने कई चीज़ें यूज़ भी की हैं और मैंने उसको वीडियोस में कहा भी है कि मैं उनको दे दूँगा, फेंक दूँगा लावा में, पर मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मेरे को अजीब लगता है यार, मतलब मैं क्या कहूँ समझ नहीं आता। छोड़ो, चलो करते हैं माइनक्राफ्ट। वैसे है बहुत ज़्यादा अच्छा गेम, जिसने भी बनाया ना उसको मेरी तरफ से कुछ दे तो सकता नहीं, पर हाँ उसका माइनक्राफ्ट खूब चले इतना मैं कह सकता हूँ, चले या चलेगा या चल चुका है, जो होना है हो इस माइनक्राफ्ट का आगे चल के, पर हो कुछ तो अच्छा इस माइनक्राफ्ट वाले के साथ, क्योंकि इन्हें है ना बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक टाइप की गेम भी, रेट टाइप की गेम भी, दोनों का मिक्सअप करके बनाया। RDX में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है माइनक्राफ्ट, ऐसे भी काफ़ी कूल लगता है माइनक्राफ्ट, पर RDX में कुछ ज़्यादा OP लगता है माइनक्राफ्ट हर चीज़ में। मतलब माइनक्राफ्ट को इस बंदे ने है ना ऐसा बनाया है भाई, माइनक्राफ्ट है ना, क्या क्या होता होगा पहले, मेरे को अच्छे से याद है माइनक्राफ्ट था तो ऐसा, पर जब से 1.18 1.17 भाई क्या क्या ऐड कर चुका है माइनक्राफ्ट, बहुत आगे तक पहुँच हो गई माइनक्राफ्ट की। कहाँ कभी मेरी 6485 XP होती थी, कहाँ अब 7 7 4 4 5 5 XP, वो भी निहल निहत्ते मॉब्स को मार मार के हो रही है। कहीं से तो XP फार्म बनाऊंगा यार, अभी मैंने इस वर्ल्ड में बनाया क्या XP फार्म नहीं बनाया, मैं सोचता रहता हूँ क्या क्रिएशन करूँ इस वर्ल्ड में, सी इसका एंड भी होगा बस वही एंड। और हाँ मैंने अपने तो एक फोटो ढूंढा एक वो हैक का यूज़ करके, उससे माइनक्राफ्ट जिस आईडी से मैं खेलता हूँ, आईडी है नहीं मेरे को पता नहीं आईडी है, पर कुछ तो माइनक्राफ्ट मेरा खेलना बैन होता है, आईडी बैन होती है, ऐसे कुछ तो बैन होना था, पर मैंने कर लिया जुगाड़ उस चीज़ का, और उस चीज़ से मैं माइनक्राफ्ट में मैंने फोर्ट्रेस ढूंढा, मैंने हर जगह ढूंढा था पर मुझे नहीं मिला। मैंने एक कमांड यूज़ की क्रिकेट में,
मतलब पॉकेट में कमांड। पॉकेट एडिशन में कमांड यूज नहीं हो सकती, मैं सबकी जानकारी के लिए बता दूं। और ये बात सिर्फ और सिर्फ मैं किसी को नहीं बताई अब तक, जिन जिन मेरे दोस्तों को फोर्ट्रेस थी मैंने ये चीज़ देखी, उस कमांड में लिखा था नो फोर्ट्रेस इन योर वर्ल्ड स्लैश करके कुछ ऐसे कुछ तो लिखा आया था। फिर मैंने एक वो हैक यूज़ किया, उस हैक से दिखाया वन फोर्ट्रेस लोकेट इन योर वर्ल्ड, एक फोर्ट्रेस लोकेट हुआ है मेरे वर्ल्ड में। मतलब मेरा वर्ल्ड था ना, इसमें पता नहीं कोई एक बग था माइनक्राफ्ट का जो कि मैंने देखा नहीं कभी भी। और जब मेरे को जरूरत पड़नी थी तब मेरे साथ होना ही था, तो मेरे को बहुत जुगाड़ कर करके मैंने किए। मैं फ्री फायर में इतनी आईडी हैक कर दिए हैं, मेरे एक दोस्त के फ़ोन में इतनी आईडी हैक की है मैंने, बहुत लेजेंडरी प्रो आईडी जिनमें बंदे ग्रैंड मास्टर थे बी आ रहे हैं, उन मेरी आईडी सबने देखी। अब सब कह रहे होंगे ये फेंक रहा है, इसकी आईडी तो है नहीं, इस पर करेगा हैक। बहुत बंदे सोच रहे होंगे ऐसा, खुद की आईडी देखी नहीं दूसरों को आईडी बांटता फिर रहा है। लेकिन मैंने उनके साथ स्कैम किया बहुत ज़्यादा जहर। उनके साथ जब भी मैं कस्टम करूँगा ये शर्त की थी मैंने, और अगर मैं उस कस्टम में जीतता हूँ, मतलब कस्टम में अगर मैं जीत गया तो कस्टम जीतने वाले को जो उसको चाहिए वो मिलेगा, पर मैं किसी को कुछ नहीं दूँ। उनको पता है ये बात, मैं उनको कुछ नहीं देने वाला। उनको ये भी पता है उनको मेरे को देना पड़ेगा, क्योंकि उनको ये भी पता है मैं उनकी आईडी बैन कर दूंगा, और उनकी आईडी का क्या हाल होगा मेरे को कोई बता दो। बहुत मेहनत की उन्होंने मेरे सामने सामने, तीन तीन चार चार पांच पांच घंटे रोकी है, और मैं उनकी आईडी हैक कर दूंगा। मैं इतना भी वो नहीं दे रहे हैं, मेरे को नहीं दिया तो नहीं दिया, मैं मजाक करता हूँ उनके साथ कि मैं उनकी आईडी हैक कर दूंगा। एक बार फिर मैं उनकी आईडी हैक करूंगा, आईडी हैक, बट आईडी मेरे को चाहिए एक और आईडी तो नहीं, मतलब जो मेरे को अपनी आईडी में चाहिए वो लूँगा मैं। ऐसे बंदों को मैं जानता भी हूँ जो मेरे को दे सकते हैं, पर वो है ना मेरे से एक चीज़ करते हैं, अगर वो जीत गए कस्टम में तो मेरे को टॉपअप करके उनको वो जो मांगे एक आइटम वो भी। उन्होंने पता क्या मांगा है, मैंने तो मांग ली है सीधा बनी वॉरियर, उनकी रोंगटे खड़े हो गए। ठीक है, बनी वॉरियर सुनते ही इतना रेयर मांग लिया, और उन्होंने उससे भी रेयर मांग लिया, मतलब कि फ्री एक एलाइट पॉइंट, इतने भी एलाइट पॉइंट आने वाले हैं ना, वो एक उनमें से एक एलाइट पॉइंट होना चाहिए। मैंने उनको कहा कि मैं जो चाहिए मैं उतना ही टाइम दूंगा मजी मजे में, और उन्होंने सारे एलाइट पास ही मांगे, मतलब सीजन वन सीजन टू सीजन थ्री सीजन फोर जितने भी सीजन है। और फ्री फायर का मतलब कि पहली खत्म जो सबसे रेयर आइटम, मतलब पुराने फ्री फायर का है ना, मैक्स में नहीं चाहिए उनको, चाहिए तो मैक्स में पर है ना फ्री फायर के अंदर, मतलब कि मेरे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उनका माल मैक्स में आए और वो फ्री फायर में भी आए, और उनकी आईडी वो लॉगिन नहीं करके देंगे और पासवर्ड भी नहीं देंगे मेरे को, मेरे को खुद कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के उनकी आईडी में डालना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए।
वरना ये वीडियो मैं आपके सामने यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, ये सबूत रहेगा उनके लिए। और हाँ गाइस, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं कभी बोलता नहीं है, पर हाँ हमारे चैनल पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे। मैं कई बंदों को वीडियो में देखा, उनको फिर वो मतलब करते रहते हैं, फिर उनके जाके एक दो व्यूज होना शुरू होते हैं, मेरे तो वो भी नहीं आ रहे। मैं एक सच बताऊँ, जो मेरी शुरू की वीडियोस थी ना, पहली उसको पता है किसने देखा था? जब मेरे पापा और गुंजन है तो उन्होंने मिलके है ना मेरे यूट्यूब चैनल जब क्रिएट कर रहे थे हम, तब सिर्फ उन्होंने देखी मेरी पहली वीडियो, सिर्फ उन्होंने, और कोई नहीं देखता मेरी वीडियो। और ये एक दो बार जो देख लेता है ना मेरी वीडियो, पता कौन देखता है? गुंजे का भाई, अपने चैनल इतने व्यूज है, वरना कोई नहीं देखता मेरी वीडियो। मैं सच बता रहा, अगर ये वीडियो उसको छोड़ के और कोई देखेगा ना, और अब तो उसने भी छोड़ दिया वीडियो देखना मेरी, उसको वो कहता है खुद कि मेरे को तेरी वीडियो अच्छी है, ये वीडियो होती है, वीडियो बनानी को तगड़ी बना, अच्छी बना, जैसे कि आज की वीडियो मैंने क्या अच्छा कर दिया, नहीं बता दो तुम क्या अच्छा कर दिया मैं। वो ऐसे कहते हैं मेरे को, पर फिर भी मैं ट्राई तो कर रहा हूँ ना अपनी तरफ से, मेरी तरफ से कोट आया आई व्यूज कोई दिक्कत नहीं, पर मैं ट्राई करना नहीं छोड़ूंगा, मैं ट्राई करना बिल्कुल ही नहीं छोड़ूंगा, ये कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ऐसे किसी ने कहा था, पर किसने कहा था मेरे को ये तो पता नहीं, पर कहा था। जैसे कि देखो अभी मैं उड़ानी, ठीक है अभी भी मैं नहीं उड़ा, ठीक है कुछ टाइम तक मेरे को उड़ना नहीं आया, मैंने थोड़ा सा लिया आराम, ठीक है सीधा मेहनत पे दोबारा से, मैं नहीं उड़ा कोई बात नहीं, मैं पर थोड़ा सा उड़ा इसकी मेरे को खुशी हुई, ऐसा मेरे साथ हुआ, ठीक है फिर मैं उड़ गया, फिर मैं उड़ता उड़ता गिर गया, कोई बात नहीं, मेरा सामान भी कुछ गिर गया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर उड़ा, ठीक है।